सो फ्रेंड, ये है आइकोनियो 6 स्मार्टफोन और इस डिवाइस में 4700 mAh की बैटरी मिलती है। तो इस डिवाइस की करने वाला हूँ मैं आज बैटरी ड्रेन टेस्ट, जिसमें मैं इस डिवाइस को 100% चार्ज करने वाला हूँ और इस डिवाइस में अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करूँगा। तो मैं इस डिवाइस में 1 घंटे तक यूट्यूब पर वीडियो प्ले करूँगा, 1 घंटे तक इस डिवाइस पर गेमिंग करूँगा और 1 घंटे तक इस डिवाइस के बैक कैमरे से 4K 60 FPS पर वीडियो शूट करने वाला हूँ। और तीनों ही टास्क को परफॉर्म करने के बाद मैं ये चेक करूँगा कि ये डिवाइस कितना हीट हुआ है और इसमें कितने बैटरी कंज्यूम हुई हैं, जिससे मैं आप लोग को बेहतर तरीके से बता पाऊँगा कि इस डिवाइस की जो बैटरी बैकअप है वो कैसी होने वाली है। तो अगर आप इस डिवाइस को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यश, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड, मैंने इस डिवाइस को 100% चार्ज कर लिया है और मैंने इसे बैलेंस्ड मोड पर रखा हुआ है। और मैं आप लोगों को कंफर्म करा देता हूँ कि यह आइकोनियो 6 स्मार्टफोन है, तो आप इसे बैक से देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस डिवाइस की जो बैटरी ड्रेन टेस्ट है वो स्टार्ट करता हूँ, पर उससे पहले मैं इस डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइस अभी 34.1 डिग्री पर है और मैं अपना रूम टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ। तो मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री है। मैंने अपने रूम पर एसी ऑन करके रखा हुआ है और अब मैं इस डिवाइस का जो बैटरी ड्रेन टेस्ट है वो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस डिवाइस पर यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो वाईफाई कनेक्शन है वो इनेबल है और मैंने इसे कनेक्ट करके रखा हुआ है। और अब मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर से एक वीडियो प्ले करता हूँ, जिसे मैं 1 घंटे तक प्ले करूँगा। और इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस लेवल मैंने लगभग 60% पर रखा हुआ है और मैं इसका जो वॉल्यूम है वो भी 60 से 70% के बीच में रखने वाला हूँ। और लगातार 1 घंटे तक मैं इस डिवाइस पर इस वीडियो को प्ले करूँगा। और यहाँ पर स्टॉप वॉच आप देख सकते हैं, स्टॉप वॉच भी मैंने रेडी रखा है। तो मैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करूँगा और स्टॉप वॉच स्टार्ट करूँगा और 1 घंटे के बाद देखूँगा कि ये डिवाइस 1 घंटे वीडियो प्ले करने पर कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप करता है। तो मैं आप लोग के लिए वीडियो को एडिट कर दूंगा ताकि आप लोग को 1 घंटा वेट करना ना पड़े, बट मैं आप लोग को 1 घंटे के बाद बताऊंगा कि इस डिवाइस में कितना बैटरी परसेंट यहाँ पर डिक्रीज होती है। तो आप देख सकते हैं 30 मिनट्स यहाँ पर हो चुके हैं मुझे इस डिवाइस पर वीडियो प्ले करते हुए। और अब मैं इसका बैटरी चेक करता हूँ। तो यहाँ पर जो बैटरी है वो 98% पर है। तो आधे घंटे वीडियो प्ले करने पर इस डिवाइस में सिर्फ 2% का बैटरी ड्रॉप आया है। तो इस डिवाइस की जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और अब मैं वापस से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 1 घंटे कम्प्लीट करने हैं इस डिवाइस पर टेस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर से वापस से वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ और स्टॉप वॉच भी स्टार्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं 60 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं स्टॉप वॉच को स्टॉप कर लेता हूँ। और 60 मिनट मैंने इस डिवाइस पर लगातार यूट्यूब पर वीडियो प्ले किया है। मैं आप लोग को इसका रिजोल्यूशन दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने इस वीडियो को 1080p रिजोल्यूशन पर प्ले किया है और मैं आप लोग को इसका ब्राइटनेस लेवल दिखा देता हूँ। ब्राइटनेस लेवल 60% पर है और इसका जो वॉल्यूम है वो मैंने 60 से 70% पर रखा था। और अब मैं इस डिवाइस का जो बैटरी है वो चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं बैटरी यहाँ पर 95% है। तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। 1 घंटे से मैं इस डिवाइस पर यूट्यूब पर वीडियो प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पर जो बैटरी है वो सिर्फ 5% ही ड्रॉप हुई है। तो इस डिवाइस की जो बैटरी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और मैं इसका टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ कि ये डिवाइस कितना हीट हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने रूम का टेम्परेचर चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वो 26.5 डिग्री पर है। और मैं इस फ़ोन का टेम्परेचर चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पार्ट का यहाँ पर टेम्परेचर है 31.1 डिग्री। और बैक पैनल चेक कर लेते हैं और बैक पैनल का भी लगभग 30 डिग्री यहाँ पर है टेम्परेचर। तो ये डिवाइस ज़्यादा हीट भी नहीं हुआ है और इस डिवाइस का जो बैटरी है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब मैं अपना नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इस डिवाइस पर 1 घंटे तक गेमिंग करने वाला हूँ। मैं इस डिवाइस में BGMI गेम प्ले करूँगा और चेक करूँगा कि 1 घंटे गेमिंग करने पर इस डिवाइस में कितने परसेंट बैटरी की ड्रॉप होती है।
तो मैंने इस डिवाइस पर BGMI गेम ऑन कर लिया है और अब मैं आप लोग को इसका ग्राफिक सेटिंग दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके ग्राफिक्स को मैंने HDR और एक्सट्रीम पर सेट किया है और मैं आप लोग को इस गेम को इसी ग्राफिक सेटिंग पर प्ले करके दिखाने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोग को इसका बैटरी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 94% पर है, तो ये गेम ऑन करते तक 95 से 94% पर आ चुका है। और अब मैं इस डिवाइस पर 1 घंटे तक गेमिंग करके टेस्ट करता हूँ कि ये डिवाइस 1 घंटे गेमिंग करने पर कितना परसेंट का ड्रॉप लेकर आता है। तो यहाँ पर से मैं स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर गेमिंग भी स्टार्ट कर दी है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मुझे इस डिवाइस पर गेमिंग करते हुए 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं इस डिवाइस का जो बैटरी है वो चेक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैटरी लेवल है वो 84% पर है और मैंने इस डिवाइस पर गेमिंग करना 94% से स्टार्ट किया था, तो 30 मिनट्स में यहाँ पर मुझे 10% का ड्रॉप देखने को मिला है। और मैं आप लोग को इसका ब्राइटनेस लेवल दिखा देता हूँ कि मैंने इसे 70% ब्राइटनेस लेवल के आसपास यहाँ पर रखा हुआ है और वॉल्यूम मैं फुल यूज़ कर रहा था। अभी मैंने थोड़ा ड्रॉप किया है ताकि मैं आप लोग से बात कर पाऊँ और वॉल्यूम मैंने यहाँ पर फुल रखा हुआ था। तो यहाँ पर 10% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है 30 मिनट्स में। और अभी तक मैंने इस डिवाइस पर जो ग्राफिक सेटिंग है वो HDR और एक्सट्रीम रखा था और अब मैं इसका जो ग्राफिक सेटिंग है वो चेंज करके स्मूथ और 90 FPS कर लेता हूँ। और अब मैं इस ग्राफिक सेटिंग पर इस गेम को प्ले करके चेक करता हूँ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस डिवाइस पर मुझे गेमिंग करते हुए लगातार 1 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। आप यहाँ पर स्टॉपवॉच पर टाइम देख सकते हैं और पहले के जो 30 मिनट है उसमें मैंने इस डिवाइस पर गेमिंग की है HDR और एक्सट्रीम ग्राफिक सेटिंग पर, और उसके बाद के 30 मिनट में मैंने इस डिवाइस पर जो गेमिंग की है वो मैंने की है स्मूथ और 90 FPS पर। और मैंने आप लोग को इसका मोड दिखाया था, मैंने यहाँ पर मॉन्स्टर मोड सेलेक्ट करके रखा हुआ है ताकि मुझे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए। और अब मैं इसका जो बैटरी लेवल है वो चेक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैटरी है वो 94% से 73% पर आ चुकी है, यानी कि 1 घंटे गेम प्ले करने पर यहाँ पर मुझे 21% का जो बैटरी ड्रॉप है वो देखने को मिला है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था जब मैंने इस डिवाइस पर वीडियो प्ले किया था 1 घंटे तक, तब इस डिवाइस में सिर्फ 5% का ही ड्रॉप आया था, और यहाँ पर जब मैंने गेमिंग किया है तो यहाँ पर जो बैटरी है वो 21% डिक्रीज़ हुई है। और मैं आप लोग को इसका टेम्परेचर दिखा देना चाहता हूँ। तो इसका जो मैक्स टेम्परेचर है वो 43 डिग्री जा रहा है फ्रंट में, और मैं इसका बैक का टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ। तो इसके बैक में मैक्स टेम्परेचर 38.9 डिग्री पर टच कर रहा है। मैं आप लोग को रूम टेम्परेचर दिखाता हूँ। तो मेरा जो रूम टेम्परेचर है ये 27 डिग्री पर है। तो अगर आप इस डिवाइस पर गेमिंग करते हैं तो ये डिवाइस हीट होता है, यानी कि आप लोग को 40 डिग्री प्लस देखने को मिल जाएगा। और इस डिवाइस में जो बैटरी है वो भी आप लोग को थोड़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेगी अदर टास्क के कंपेरिजन में। तो चलिए अब मैं अपना जो थर्ड नंबर का टेस्ट है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस डिवाइस में आप लोग को वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। तो मैं इस डिवाइस पर 1 घंटे तक लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा इसके बैक कैमरे से, और आप लोग को बताऊँगा कि अगर आप इस डिवाइस पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप लोग को कैसा बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो मैंने इस डिवाइस का बैक कैमरा ओपन कर लिया है और अब मैं इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाला हूं, और मैं वीडियो शूट करने वाला हूं 4K 60 FPS पर। और उससे पहले मैं आप लोग को इसका बैटरी परसेंटेज दिखाता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये 72% पर है, और अब मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4K 60 FPS, और मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, और मैं यहाँ पर स्टॉपवॉच भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब हम चेक करेंगे कि 4K 60 FPS से अगर मैं इसमें वीडियो शूट करता हूं तो 1 घंटे में मुझे कितना परसेंट का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर 60 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और इस डिवाइस में 1 घंटे से 4K 60 FPS पर वीडियो शूट हो रही है और मैंने इसे स्टॉप नहीं किया है। तो मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर स्टॉपवॉच को भी स्टॉप कर लेता हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैंने इस डिवाइस पर 4K 60 FPS पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी और 1 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं इस डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो चेक कर लेता हूँ कि ये डिवाइस कितना हीट हुआ है, फिर हम इसके बैटरी को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले पार्ट है वो मैक्स 44.3 डिग्री पर है, और अब मैं इस डिवाइस के कैमरे को चेक कर लेता हूँ कि ये कितना हीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस डिवाइस का जो कैमरा है वो 42.2 डिग्री पर है, और अब मैं आप लोग को रूम टेम्परेचर दिखाता हूँ।
और मेरा जो रूम टेम्परेचर है, एक मिनट यहाँ पर ये डिवाइस को पकड़ रहा है, और मेरा जो रूम टेम्परेचर है वो मैक्स 33.5 डिग्री पर है। तो अब हम इस डिवाइस के बैटरी को चेक कर लेते हैं कि इतने देर वीडियो शूट करने के बाद इस डिवाइस पर कितने परसेंट का ड्रॉप आया है। तो आप देख सकते हैं इसकी बैटरी अभी 48% है, और जब मैंने इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तब इसकी बैटरी 72% पर थी। तो लगातार एक घंटे तक 4K 60 FPS में वीडियो शूट करने के बाद इस डिवाइस में 24% बैटरी कम हुई है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने इस डिवाइस पर अलग अलग तरह के टास्क कंप्लीट किए हैं जो कि डेली रूटीन में हम अपने डिवाइस पर यूज़ करते हैं। मैंने इस डिवाइस पर यूट्यूब में वीडियो प्ले किया है, गेमिंग की है, और इसके बैक कैमरे से 4K 60 FPS पर वीडियो शूट किया है। तीनों ही टास्क को मैंने कंटिन्यूस किया है 1x1, और उसके बाद मैंने इसका बैटरी चेक किया है तो इस डिवाइस में 52% की बैटरी ड्रॉप मुझे देखने को मिली है। मैंने इस डिवाइस को 100% चार्ज किया था और अभी ये डिवाइस 48% पर है। तो इस डिवाइस की जो बैटरी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि जो दो टास्क हैं 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना और गेमिंग करना, ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं। उसके बाद भी मुझे अगर इस तरह के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ इस डिवाइस की जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस डिवाइस पर कंटिन्यू गेमिंग करते हैं तो आप लोग को इसमें लगभग 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। अगर आप इस डिवाइस के बैक कैमरे से 4K 60 FPS पर वीडियो शूट करते हैं तो आप लोग को लगभग 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। और अगर आप इस डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा लाइट यूज़ करते हैं तो आप लोग को इसमें 11 से 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। लाइट यूज़ का मैं आप लोग को मतलब बताता हूँ, अगर आप इस डिवाइस पर चैटिंग करेंगे, इंटरनेट पर सर्फिंग करेंगे और आप इसमें वीडियो वॉच करेंगे तो आप लोग को 11 से 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। तो इस डिवाइस की जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैंने इस डिवाइस पर जो टेस्ट कंप्लीट किया है वो अपने रूम पर किया है, और मेरे रूम पर एसी ऑन था तो मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वो 28 से 30 डिग्री के आसपास था। तो मुझे कुछ इस तरह के रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी नॉर्मल आया था, और इस डिवाइस में मुझे काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप मिली है। अगर आप इस डिवाइस को ऐसे क्लाइमेट में यूज़ करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इस डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो उस अकॉर्डिंग हीट होगा, यानी कि ये डिवाइस थोड़ा ज़्यादा हीट होगा, और ज़्यादा हीट होने की वजह से इसमें आप लोग को थोड़ी ज़्यादा कंज्यूमशन देखने को मिल जाएगी। तो डिपेंड ये करता है कि आप इस डिवाइस को किस क्लाइमेट में यूज़ करते हैं। मैंने इस डिवाइस का चार्जिंग टेस्ट भी कर दिया है, जिसमें मैंने इस डिवाइस को 1% से 100% चार्ज करके दिखाया है और ये बताया है कि ये डिवाइस 100% चार्ज होने में कितना टाइम लगाता है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस डिवाइस से रिलेटेड हमने और भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन सभी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप सेफ, थैंक यू।